सो वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिग बॉस हाउस में जो लव एंगल चल रहा है, कहीं पे लव एंगल है कहीं पे लव ट्रायंगल है, बट ट्रस्ट मी लव एंगल इट्स वेरी बैड, जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना अंकित एंड एकदम बकवास चल रहा है, वो बंदा जरा भी भाव नहीं देता, तो मैं उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा, उसके टॉपिक में आऊंगा बात। पहले मैं बात करना चाहता हूँ शालीन सुंबुल और टीना दत्ता के बारे में, ये तीनों मिलकर के क्या खिचड़ी बना रहे हैं। इससे पहले मेरे वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है अभी कमेंट कर सकते हो, वीडियो पॉज करके और वीडियो को उसके बाद से पूरा एंड तक जरूर देखना और फिर देखना क्या आपकी सोच और मेरी सोच मैच होती है या नहीं। मैंने हर बार इस चीज को नोटिस किया है कि शालीन हमेशा लड़कियों के बीच में गिरा रहता है और वो सुंबुल को जो है एज अ बच्ची ट्रीट करता है। सुंबुल को इसी बात से चिढ़ होती है कि पूरा घर उसको जो है एज अ बच्चा ट्रीट कर रहा होता है। बाय द वे बच्चा से याद आया, ये सब के सब लोग जो है एक चीज को मिस कर दे रहे हैं और वो है अब्दू। अब्दू को सब प्यार प्यार से ले रहे हैं और ऐसे ही चलाते जा रहे हैं। अगर उस बंदे ने कहीं टॉप थ्री में जगह बना लिया तो सोचो किसी को कानो कान खबर भी नहीं चलेगा। वापस आते हैं लव एंगल के ऊपर में। सुंबुल के अंदर में एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है शालीन के लिए। शालीन उस चीज को नोटिस करके भी इग्नोर कर रहा है, पर मैंने एक चीज तो नोटिस किया है, आप लोगों ने किया है या नहीं मुझे नहीं पता, टीना दत्ता हमेशा शालीन के साथ ही घूमती फिरती है, शालीन के साथ ही उठना बैठना है, बैठेगी बात करेगी ऐसे मानो कि उसकी अदा में कुछ और ही बताने की कोशिश की जा रही है, पर शालीन उस चीज को पूरी तरह से इग्नोर मार रहा है जैसे वो सुंबुल को इग्नोर मारता है। अब इस लव एंगल के अंदर में जो मेरा चल रहा है दिमाग में, जो मैं अब तक नोटिस कर पाया हूं, वो ये है कि सुंबुल शालीन को चाहती है पर वो बताती नहीं। शालीन उसका कहना है कि सामने से कोई कहे तो सही, तो मैं आई लव यू टू कह दूं ना, ये वाला बहुत तगड़ा वाला खेला बंदे ने। वहीं पे टीना दत्ता आज तक उसने अपने तरफ से कुछ नहीं कहा है, हमेशा शालीन को ये बताती आई है और शालीन से ये क्लियर करती आई है कि क्या तुम्हारा उसके साथ में कुछ चल रहा है, यानी शालीन और सुंबुल के बीच में। उसने नोटिस किया है कि सुंबुल उसके पीछे है और उसको चाहती है, उसके लिए जो है कुछ फीलिंग्स रखती है। वहीं पे टीना दत्ता ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। टीना दत्ता इस चीज से दूर रहना चाहती है कि मेरा दिल कहीं ना टूट जाए, उससे पहले मैं क्लियर तो कर लूं। इसलिए उसने लास्ट एपिसोड में एक गेम खेला कि तू खुद सामने से जा करके तू उससे पूछ ले यार, अप फ्रंटली ओपन हार्टेडली होकर के उससे बात कर और पूछ कि आर यू फॉलन या फिर तुम्हारे तरफ से कुछ, तो समझ रहे हो बात को। टीना दत्ता बहुत ही साइलेंटली लव पॉलिटिक्स खेल रही है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ, और आपको क्या लगता है कि जो मैं सोच रहा हूं इन तीनों के दिल की बात जो समझ रहा हूं क्या वो सही है, कमेंट करके जरूर बताना। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हाँ मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।